नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगर टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ। गया के सौराजपुरी रोड स्थित अजीजा प्लाजा में डॉक्टर बरकात ऑर्थोपेडिक एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन गया के सुपर सिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बरकात ने फीता काट कर किया। डॉक्टर बरकात ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आधुनिक सुविधा से लैस अस्पताल खोलने से लोगों की काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि गया के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा देने का कार्य किया जाएगा। मौके पर गया के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। उसमें डॉक्टर उपरान और डॉक्टर शर्मा बैठेंगे। हर तरह की सहूलत है, इमरजेंसी का, आईसीयू का, एक्सरे का, निकू ये सब है। इसके पब्लिक के सहयोग का और आप लोगों की मदद की जरूरत है। ठीक है, और क्या कुछ? आज डॉक्टर बरकात साहब का जो सबसे साहब छोटे साहबजादे हैं डॉक्टर उफरान साहब ने अपने पापा के नाम से एक हॉस्पिटल खोला है, एआर बरकात ऑर्थोपेडिक एंड चाइल्ड केयर। और जिस तरह से बरकात साहब मशहूर है इस शहर में कि गरीबों का वहाँ इलाज होता है और शफा होकर के लोग निकलते हैं, उसी तरह से अल्लाह की जात से उम्मीद है कि यहाँ हर तरह के लोग आएंगे और उनका इलाज अच्छे से होगा और शफा होकर निकलेंगे। यही दुआ भी है अल्लाह से और पूरी उम्मीद है, क्योंकि बरकात साहब का एक नाम है, गरीब नवाज डॉक्टर हैं और सारे लोग ये जानते हैं, हर समाज के लोग जानते हैं, इसीलिए हर समाज के लोग यहाँ आएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, इस उद्घाटन के अवसर के आए हुए सारे आगंतुकों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि एक बार सारे लोग यहाँ पर आएँ। इस हॉस्पिटल की जितनी फैसिलिटी है, जितना आधुनिक फैसिलिटी है, उसमें लाने का कोशिश किया गया है। डॉक्टर गुफरान साहब ने सारा फैसिलिटी लाया है, बच्चे के अलग के लिए भी जितनी चीज़ ज़रूरत थी उसको इन्होंने पूरा करने की कोशिश की गई है। और ये दिल्ली में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग के रिक्वेस्ट पर ये गया माए हैं, वैसे डॉक्टरों की ज़रूरत थी और यहाँ पर इन्होंने पूरा करने की कोशिश किया है। और यहाँ की जनता को उम्मीद है कि वो उनको नामित नहीं करेंगे, यहाँ की जनता को, सारे जनता यहाँ से खुश होंगे और सभी जो भी आएंगे वो शफा होकर जाएंगे और यही अल्लाह से भी दुआ है। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आज इस मौके पर? यही इस मौके पर हमारे दामाद पहले दिल्ली में थे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, वहाँ खूब चलता था, लेकिन घर की मोहब्बत, गया की मोहब्बत इनको यहाँ ले आई, नहीं तो ये दिल्ली में इनका डेली 3-4 ऑपरेशन हो जाता तो खूब अच्छा था, चलता था। यहाँ पर आए और माशाल्लाह इन्होंने बोला, मेरी दुआ है बहुत कामयाब हो। और मेरी बेटी है सबा एकता, वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, मेरी दुआ है बेटी के लिए, बाप की दुआ है अल्लाह कबूल करे कि उसका भी खूब अच्छा ये हॉस्पिटल चले। और डॉक्टर बरकात साहब का नाम दरभंगा में जब हम पढ़ते थे तब भी वहाँ पोस्टेड थे, पटना में इनके नाम है ही है यहाँ, इस वजह से इंशाल्लाह खूब चलेगा। ऐसा क्या कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम काजी शकील यक्ता, आफाक अहमद नाम है। और बरकात साहब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं है, एक अपने आप में वो एक इंस्टीट्यूशन है। और उनके बेटे ने स्टार्ट किया है, तो जो उनके अंदर सलाहियत है वो तो सब इधर हम लोगों को मिले ही है। दूसरी एक बड़ी अहम बात यह है कि आपको दिल्ली से बुलाया गया, और आप ये सोच लीजिए कि एक डॉक्टर जो दिल्ली में, उसको सारी फैसिलिटी, सारे आसानियाँ और बहुत सारी चीज़ें, वो अगर छोड़ के आया है तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। और हम गया वासियों को जो है ये चाहिए कि उनकी कुर्बानियों को जो है, जिस तरह से वो यहाँ आकर के जो है खुद वो औरतों में हैं, औरतों में अच्छे डॉक्टर की हमें ज़रूरत है, और उनकी वाइफ जो है वो पीडियाट्रिक हैं, तो हमें जो है ये दोनों का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात है कि शहर में इतना बड़ा जो है, लगभग 6-7 हज़ार स्क्वायर फीट में ये जगह है, जहाँ पर एक ही छत के नीचे आपको NICU है, ICU है, प्राइवेट रूम्स हैं, उसके बाद आपको OPD है, ठीक है। और मैं कोशिश भी करूँगा और इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आने वाले समय में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है डॉक्टर के लिए, एक अच्छा दिल और एक अच्छा दिमाग। और मुझे लगता है कि बरकात साहब के ज़रिए डॉक्टर साहब को ये दोनों चीज़ें मिली होंगी और ये भरपूर
काम करेंगे और शहर का, मोहल्ले का और पूरे गया का और बिहार का जो है विकास करेंगे। आयोजन किया गया है ना, ये ऑर्थोपेडिक और पीडियाट्रिक का हॉस्पिटल अभी के लिए है, लोगों के दवा का गुजारिश करूँगा कि आगे चल कर ये हॉस्पिटल और फैले फूले, हमारे हाथ की चीज़ है सेवा देना। तो ये 24 घंटा अस्पताल है, 24 घंटा मैं यहीं हूँ, डॉक्टर्स लोग यहाँ पर है, डॉक्टर्स यहाँ पर 24 घंटा अवेलेबल है, स्टाफ 24 घंटा अवेलेबल है। 2 बेड का इमरजेंसी अलग से बनाया गया है, 2 सेक्शन में हॉस्पिटल को बनाया गया है ना, एक इमरजेंसी सेक्शन अलग बनाया गया है जिसमें OPD एक्सरे अटैच है, और एक सेक्शन अलग से बनाया गया है जिसमें आपको 3 तरह का ICU है, NICU बच्चे का अलग, PICU, HDU जो हाई डिपेंडेंसी यूनिट होते हैं, साथ में OT अटैच किया गया है। सारे रूम्स की फैसिलिटीज़ है, प्राइवेट रूम, सेमी प्राइवेट रूम्स, जनरल वार्ड। अब एक जो प्रॉब्लम होता है पेशेंट्स को, पेइंग कैपेसिटी का ऐसा कोई दिक्कत यहाँ पर है नहीं, ठीक है, मतलब कि जो पेशेंट कम पेएबल भी हैं उनको भी उतना ही इंटरटेन किया जाएगा जितने पेशेंट जो एक एवरेज पेएबल, समझ रहे हैं। अभी से पहले मैं दिल्ली में था, मैं डॉक्टर अबू मिश्राम हुआ, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। अभी से पहले मैं दिल्ली में 4 साल प्रैक्टिस किया हूँ, मैं वहाँ पे अलग अलग हॉस्पिटल्स में था, दिल्ली गवर्नमेंट में भी था, मैं अपोलो में भी काम किया हूँ 1 साल। वराइटीज ऑफ सर्जरीज की जाती है, वो समय के साथ आप खुद देखेंगे, उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप आएंगे तो मेजॉरिटी ऑफ सर्जरी आपको यहाँ पर ऑर्थोपेडिक की जाती है। फैसिलिटीज़ में आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट के तौर पर मैं बोल सकता हूँ। 24 आवर एम्बुलेंस सेवा दिया गया है, एक अलग से सेवा एम्बुलेंस सेवा 24 आवर दिया गया है, जिसका बहुत नॉमिनल चार्ज या तो कोई चार्ज नहीं रखा गया है। और वो एम्बुलेंस जो है वो एक नॉर्मल बुकिंग के लिए नहीं है, वो एक एम्बुलेंस जनरल बुकिंग के लिए नहीं है, वो इन पेशेंट्स के लिए ही एम्बुलेंस है, वो एम्बुलेंस कोई जनरल बुकिंग नहीं होना आपका। और सभा एकता नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ हूँ पीडियाट्रिशियन, और हमारा ये हॉस्पिटल यहाँ पे नया खुला है गया शहर में, और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड जो कि ऑर्थोपेडिशियन है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी गया शहर के लोगों को अपने तरफ से हम लोग सुविधाएं दे पाए। हमारे हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधाएं यहाँ पे मौजूद है, सबसे आप 2 अलग अलग विभाग में हमारा हॉस्पिटल है, ठीक है, एक तरफ आपका OPD है, और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि इमरजेंसी बेड्स भी अवेलेबल है, एम्बुलेंस सेवा भी 24 घंटे अवेलेबल है। अगर आप बच्चे के डिपार्टमेंट में आए तो हमारे पास फुल्ली इक्विप्ड NICU है नवजात शिशु के लिए, विथ वेंटिलेटर्स हैं यहाँ पे, और CPAP है हमारे पास, मतलब सारी सुविधाएं जो कि एक बच्चे नवजात शिशु को NICU में जरूरत पड़ सकती है वो सारी चीज़ें हमारे पास हैं। इसके अलावा हमारे पास ICU है, 4 बेडेड ICU है, हमारे पास OT है, मतलब सुविधाएं में हमारे हम कोई कमी नहीं रखेंगे, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर कर पाएं। बस आप सभी लोगों की हमें दुआओं की ज़रूरत है, बस हमें लोकेटेड है ये स्वराजपुरी रोड में, भारत श्रीवास्तव के सामने है, जो कि पेट्रोल पंप है उसके जस्ट सामने है, अजीजा प्लाजा, ग्राउंड फ्लोर पे OPD है एंड सेकेंड फ्लोर पे आपका इंडोर है हमारा। इंट्रोडक्शन मैं डॉक्टर सभा एकता, MBBS MD पीडियाट्रिक्स, मैं यहाँ पे गया मेडिकल कॉलेज में एज SR भी हूँ, 1 साल से मैं गया मेडिकल कॉलेज में भी हूँ, और यहाँ पे मैं मेरा अपना हॉस्पिटल है, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ।